नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और जिसमें से कि एक है वो हर वीडियो कमेंट में आ रहा है, जो कि ये लोग पूछ रहे हैं कि अर्थराइटिस, एसीएल सर्जरी, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन एंड मेनिस्कस रिपेयर के बाद कितने परसेंट चांसेस होते हैं। तो इसका आंसर है कि जो अर्थराइटिस है ना, अर्थराइटिस आपको तब लेट्स से एक नॉर्मल पर्सन को 60 साल के आसपास होता है, तो आपको जिसका एसीएल रिकंस्ट्रक्शन मेनिस्कस रिपेयर हुआ है तो उसके चांसेस होते हैं कि उसको 5 साल पहले हो जाएगा, ऐसे चांसेस होते हैं एज़ पर द डॉक्टर। बट इसमें और भी सिनेरियोज़ हैं, अगर आप एक्सरसाइज कंटिन्यू रखते हैं तो आपको इशू नहीं होगा। अगर आप अभी से ही एक्सरसाइज चालू करते हैं और एक्सरसाइज कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि एक चीज़ देखो, कोई बुक है आपके पास, आप उस बुक को एक महीने तक ना खोलो तो उस बुक पर क्या होता है, धूल जमने लग जाती है, जिससे करके धूल की जो लेयर होती है, जो डस्ट की लेयर होती है, वो और बढ़ती चली जाती है। सेम ऐसे ही आपकी बॉडी है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये सीन एक्सरसाइज के साथ भी, आपकी बॉडी के साथ भी, आपके एसीएल के साथ भी होने के चांसेस होते हैं। मेन चीज़ ये है इसके अंदर, एक्सरसाइज आपको क्या करनी है वो आप एक्सरसाइज वाला वीडियो आप देख ही लोगे, चैनल पे सर्च करना एक्सरसाइज सम्राट भारद्वाज एसीएल, तो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, जो मैंने एक्सरसाइज फॉलो करी है वही एक्सरसाइज आपको करनी है। एक चीज़ यहाँ पर, अपने फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से पहले कंसल्ट ज़रूर कर लें कि हो सकता है कि आपकी फॉर्म गलत हो या कोई भी चीज़ हो सकती है उसके अंदर, उससे क्या होगा आपकी हेल्प होगी और आप अच्छे से उस फॉर्म को मेंटेन कर पाएंगे, जिससे क्या होगा जो पूरा इफेक्टिव है ना आपके बॉडी पे लगेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया था कि हम अपर बॉडी कब से स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक बार आपका फुल स्क्वाट्स में आप पहुँच गए, आपका जिम स्टार्ट हो गया, आपके जब डॉक्टर ने बोला तभी आपको ऐसी चीज़ें करनी है, तो अपर बॉडी में आप, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ, मैंने जो अपर बॉडी एक्सरसाइज स्टार्ट करके जिम के अंदर जाके, जब मेरा जिम स्टार्ट हो गया था तो उसके एक दो महीने बाद मैंने अपर बॉडी स्टार्ट कर दिया था, उसके अंदर भी बहुत ही स्पेसिफिक थी, जैसे कि मैं कोई भी एक्सरसाइज खड़े होकर नहीं कर रहा था जिससे मेरे पैरों पर एक स्ट्रेस पड़े या कोई भी दिक्कत हो, तो उसके लिए जो भी मैं था वो सिटिंग एक्सरसाइज कर रहा था बेंच पर बैठकर, जिससे जो मेरा बॉडी वेट था मेरे बैक पर आए, ताकि मेरे इस पे फुट्स पर ना जाए, लेग्स पर ना जाए। और रही बात, वापस आते हैं टॉपिक पर कि अर्थराइटिस में और भी चीज़ होती है, जैसे कि आपको अपनी डाइट मेंटेन करके चलनी है, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आप अपने फ्यूचर को थैंक्स बोलने वाले हैं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो इशू आपको होंगे ही होंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन और भी थे कि जैसे कि हमारा ACL है जैसे रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, तो हमें एक्सरसाइज कब तक करनी है, तो देखो एक्सरसाइज की कोई टाइम लिमिट नहीं होती, जितना आप एक्सरसाइज करते चले जाएंगे आपकी मसल्स स्ट्रांग होती चली जाएंगी, मोबिलिटी आपकी स्ट्रांग होगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी स्ट्रांग होगी, तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि एक्सरसाइज ये नहीं है कि एक दवाई की तरह है कि आपने आज करी फिर कल छोड़ दी, एक्सरसाइज एक ऐसा ड्रग है जितना आप जिसको अच्छे से फॉलो करोगे, जितना डेली इनटेक करोगे, उतना ही आप फ्यूचर में अपने आप को थैंक्स बोलने वाले हो, आपकी बॉडी आपको थैंक्स बोलने वाली है, क्योंकि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, ये घर में बैठने, सोफे पे बैठने, लैपटॉप पे काम करने के लिए नहीं बनी है, ये बनी है मूव करने के लिए, जितना आप मूव करेंगे उतनी ही आपको हेल्प मिलने वाली है ओवरऑल बॉडी में। जितना आप पार्क में जाइए, सुबह जिम जाते हैं अच्छी बात है, बट सुबह पार्क में जाइए, पार्क में जाके जो फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिलती है, जो फ्रेश एयर मिलती है वहाँ पे, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और आपको अच्छा फील भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताना जो भी आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं टॉपिक, उसका कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।